हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इन प्रश्नों को बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इनका हमें मान ज्ञात करना है और क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 की पावर -2 × 5 की पावर 4 = क्वेश्चन मार्क। इसी को हमें सोल्व करना है और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे मात्र कुछ सेकेंड में। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में जब भी किसी भी प्रश्न में इसमें क्या दिया है, 5 × 5, जब भी इनके आधार बराबर हो, ठीक है, जब भी इनके आधार बराबर हो, ठीक है, घातांक के आधार बराबर हो, तो क्या कर लेंगे, इनके घातों को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, इनके घातों को आपस में जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और +4। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की घात कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, 5 की घात -2, ठीक है, तो आप -2 नहीं आएगा क्योंकि 4 में से घटेगा। ठीक है, 4 यानी कि 4 प्लस है, तो 4 प्लस में से -2 करेंगे तो प्लस ही ना आएगा, तो 5 की घात 2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या करना है, यम का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 की पावर m / 5 की पावर -3 = 5 की पावर 5, ठीक है, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, 5 की पावर क्या कर लेंगे, यम कर लेंगे, और बटे 5 की पावर -3 कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद बराबर 5 की पावर 5 कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या, देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसमें 3 गुना कर लेंगे, ठीक है, 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर m, ठीक है, बराबर 5 की पावर 5 × 5 की पावर -3, ठीक है, इस तरह हम कर लेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया है कि जब भी घातांक के आधार बराबर हों तो हम क्या कर लेंगे, इनके घातों को आपस में जोड़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इनके घातों को आपस में जोड़ लेते हैं, तो क्या कर लेंगे, 5, ठीक है, 5 की पावर 5 - 3 इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 2 आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 5 की पावर 2, और यहाँ पर क्या बचा है, 5 की पावर m, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5 और 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, m = 2 बचेगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है, ब्रैकेट में 3 - (-4) × (-3)³ - 3 = ? इसी को हमें सॉल्व करना है और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकेंड में। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है, -3 और -3, यानी कि इसका आधार बराबर है, क्या इनका आधार बराबर है, तो क्या कर लेंगे, इनके घातों को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसे जोड़ लेते हैं। देखिए, जब इनका आधार बराबर है तो क्या कर लेंगे, -3 - 3 कर लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -3 और -4 - 3, इनके क्या किए, इनके घातों को आपस में जोड़ लिए तो क्या हो जाएगा, -3, ठीक है, और -4 और -3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -7, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -7। किस ऑप्शन में दिया है, -3 की पावर -7, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया कि जब भी घातांक के आधार बराबर हों तो इनके घातों को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, तो हमने जोड़ लिया तो कितना आ गया, -3 की पावर -7, और ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर चार देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार में क्या दिया है, सरल कीजिए और उत्तर घात के रूप में लिखिए। देखिए दोस्तों क्या करना है, इसका उत्तर हमें घात के रूप में लिखना है और क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 की पावर 5 / 2 की पावर 8 और ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का घात 5 × 2 की पावर -5 बराबर क्या होगा, यही हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कराएंगे, तो चलिए दोस्तों इसे हम फटाफट सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया ही कि जब भी घातांक के आधार बराबर हों तो उनके घातों को आपस में जोड़ लेते हैं, लेकिन जब भाग हो तो क्या करेंगे, इनके घातों को हम आपस में घटा लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 2, ठीक है, 2 आधार हो गया, अब 5 और -8 कर देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे और पूरे की घातें कितना कर लेंगे दोस्तों, 5 कर लेंगे और गुने 2 की पावर -5 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, -3 होगी। ठीक है, 2 की पावर -3 हो जाएगी और पूरे की पावर 5 रहेगी। ठीक है, और गुने 2 की पावर -5। तो अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, इनके देखिए इन 3 और 5 जब ब्रैकेट में है तो इनका आपस में गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर -15, 5 × 3 = 15, इन 3 और 5 में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा और कितना बचा, गुने 2 की पावर -5। ठीक है, कितना हो गया, 2 की पावर -5। अब इनका भी आधार बराबर है तो क्या कर लेंगे, इनके इनके घातों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की घातें -20, कितनी हो जाएगी, 2 की घातें -20। तो हमें क्या कहा है कि घातांक में लिख रहा है, यानी कि घातांक हमारा माइनस में नहीं होता कभी। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, जब भी घातांक माइनस में हो तो क्या कर लेंगे, 1/2 2 की घातें 20 इस तरह कर लेंगे तो हमारी माइनस हट जाएगी। ठीक है, तो हमें घातांक में लिखना है तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 1/2 2 की पावर -20। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया, क्या किया, जब भी इनके आधार बराबर हैं, और एक बात आपको बता दें कि जब भी भाग के चिन्ह हो तो क्या करेंगे, इनके आधार को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमने माइनस किया, ठीक है, तो कितना आ गया, 3 आ गया था, और 3 और 5 को आपस में गुना किया तो 15 आ गया, तो इनका इन दोनों का आधार बराबर था तो आपस में घातों को जोड़ लिए तो 2 की घातें -20 हो गई। तो हमें क्या करना था, घातांक में लिखना था और घातांक कभी माइनस नहीं होती, तो क्या लिया, 1/2 2 की घातें 20। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, -4 की पावर 5 × -4 की पावर -10 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसी को हमें सॉल्व करना है और 4 ऑप्शन दिए हुए, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों हमने आपको बताया है कि जब भी इसके आधार बराबर हों तो इनके घातों को आपस में जोड़ लेते हैं, और जब यहाँ पर गुने के स्थान पर भाग हो तो क्या कर लेंगे, इन्हें घटा लेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जब गुने का चिन्ह है तो इन्हें क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों 4, ठीक है, 4 - 4 हो जाएगा और इनके घातों क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे तो 5 - 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 की पावर -5, क्योंकि 10 में से घटाएं हैं तो 10 क्या है, माइनस, तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर -5, -4 की पावर -5 आ जाएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।